जयपुर हेरिटेज मेयर मनीष गुर्जर के निलंबन को लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि 24 घंटे का इंतजार कीजिए, खुशखबरी सबके सामने आ जाएगी। जयपुर को एक के बाद एक दो खुशखबरी दी जाएगी। मनीष गुर्जर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और भ्रष्टाचार मामले में मंत्री जाबर सिंह खर्रा पहले ही मनीष गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति भी दे चुके हैं। पहले मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि एसीबी के चालान के बाद मनीष गुर्जर को निलंबन किया जाएगा, मगर अब मंत्री ने कहा है कि महाधिवक्ता से राय ले ली गई है, अब चालान से पहले ही मनीष गुर्जर का निलंबन संभव है। उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में कार्यवाहक मेयर की घोषणा भी हो सकती है। नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड है तो क्या कांग्रेस के किसी पार्षद को भी चार्ज दिया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार जिसे उचित समझेगी उसी पार्षद को चार्ज दिया जाएगा। बता दें कि जयपुर हेरिटेज मेयर मनीष गुर्जर और उसके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने मनीष गुर्जर के खिलाफ चालान पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, यानी कि अब राजस्थान हाई कोर्ट में मनीष गुर्जर के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। जस्टिस एनएस ढड्डा ने यह निर्देश सोमवार को सुधांशु सिंह ढिल्लन की याचिका पर दिया है। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को नगर निगम हेरिटेज की मेयर मनीष गुर्जर के घर पर छापा मारा था। मनीष के पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे जारी करवाने के लिए 2 दलालों के जरिए उन्होंने रिश्वत मांगी थी और इसके साथ ही सुशील के साथ दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया गया था। एसीबी को मेयर के घर से तलाशी में पट्टे की फाइल पाई गई थी। इसके साथ ही दलाल नारायण सिंह के घर से भी 8,95,000 रुपए एसीबी ने बरामद किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।